हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस बांसू। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इन आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर हो। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम टावर हाइट लेट अज्यूम कर लेते हैं हम एच मीटर, एंड टावर के फुट से जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं, फर्स्ट एंगल 4 मीटर अवे डिस्टेंस पर है एंड सेकेंड 9 मीटर अवे डिस्टेंस पर है, लेकिन एंगल कौन सा बन रहे हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम एक एंगल थीटा अज्यूम कर लेते हैं तो सेकेंड एंगल क्या अज्यूम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री में? 90 माइनस थीटा। देन ए बी सी डी, तो टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारे पास 9 मीटर है और हाइट हमारे पास एच मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, राइट ट्राइंगल बी सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड एंगल इज थीटा, देन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन बी सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी डी एंड बी सी, एच अपॉन 4, देन tan theta equal to h upon 4, same question second. After that, also in right triangle ACD, right triangle ACD, perpendicular upon base, angle made is 90 minus theta, then tan 90 minus theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular is CD and base is AC. Put the value of CD and AC. CD is H and AC is 9. We know that tan theta 90 minus theta is equal to cot theta. किसके इक्वल होता है? tan 90 minus theta cot theta के इक्वल. Then cot theta is equal to H upon 9. Say equation second. Then cot theta equal to h upon 9, we know that cot theta equal to 1 upon 10 theta. Then 1 upon 10 theta equal to h upon 9, doing cross multiplication, 10 theta equal to f, or 10 theta multiply h equal to 9, then 10 theta equal to 9 upon h. Say equation third, put the value of 10 theta from equation first to in equation third. वैल्यू पुट करने पर h अपॉन 4 इक्वल टू 9 अपॉन h, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h इंटू h इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4, h इंटू h h स्क्वायर, 9 फोर जा 36, देन स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? स्क्वायर रूट में, देन रूट 36 इज इक्वल टू 6 मीटर। देन हैंस height of the tower is 6 meter, hence proved. इसके बाद जो आपको होमवर्क में करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ ए पोल h मीटर हाई इज रूट 3 h मीटर लॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन आर द सेम, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। थैंक यू।